हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवन। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ, जो कि लक्ष्मी बाई कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से संबद्ध कॉलेज है, वहाँ से वैकेंसी आउट की गई है। कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी, कैटेगरी वाइज क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक फ्रेंड्स। इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने लक्ष्मी बाई कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी, जहां पर आपको होम पेज पे ही वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स मिल जाएंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर लक्ष्मी बाई कॉलेज, रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने एक पीडीएफ फाइल ओपन होके आ जाएगी, जिसे मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से पोस्ट पर यह वैकेंसी है। वैकेंसी में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स देख लेते हैं यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है LBC टीचिंग एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2022 है ये। एंड पोस्ट देख लेते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है एंड यहाँ पर लेवल 10 की सैलरी मिलेगी 7th पे मैट्रिक्स के हिसाब से। एंड यहाँ पर आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, जिसका लिंक यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखते हैं कौन कौन सब्जेक्ट में वैकेंसी कितनी है। कॉमर्स में 12 है, कंप्यूटर साइंस में 4 है, इकोनॉमिक्स में 10 है, इंग्लिश में 13 है, हिंदी में 8 है, हिस्ट्री में 2 है, होम साइंस में 11 है, म्यूजिक में 1 है, फिलॉसफी में 8 है, फिजिकल एजुकेशन में 1 है, पॉलिटिकल साइंस में 5 है, पंजाबी में 1 है, साइकोलॉजी में 11 है, संस्कृत में 4 है, सोशियोलॉजी में 9 है, EVS में 4 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सभी सब्जेक्ट से मिलाकर 104 है। एंड कैटेगरी वाइज ब्रेकअप यहाँ पर दिया गया है, आप अपनी कैटेगरी के अनुसार यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी कौन से सब्जेक्ट में है। एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं। अनरिजर्व OBC EWS कैटेगरी के लिए 500 फीस आपको यहाँ पर पे करनी है, जबकि SC ST PWD वोमेन कैटेगरी के लिए किसी भी तरह की फीस यहाँ पर पे नहीं करनी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, यहाँ पर आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमनिटीज, लॉ, सोशल साइंसेज, लैंग्वेज, लाइब्रेरी साइंस, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, फिजिकल एजुकेशन के लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो या तो आपके पास एलिजिबिलिटी ए होनी चाहिए या बी। ए में देख लेते हैं, कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर डिग्री कम से कम 55% मार्क्स के साथ में होना चाहिए, साथ ही कैंडिडेट को कंसर्न सब्जेक्ट में UGC नेट, CSIR नेट क्वालिफाई होना चाहिए, या अगर आपके पास वर्ल्ड की 500 रैंक यूनिवर्सिटी से आपके पास PhD है संबंधित सब्जेक्ट में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वर्ल्ड की 500 रैंकिंग क्यूकरले साइमंड्स द्वारा या द टाइम हायर एजुकेशन द्वारा या एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ARWU या संघाई जियाओटोंग यूनिवर्सिटी संघाई द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, उनमें से आने वाली वर्ल्ड की 500 रैंकिंग यूनिवर्सिटी से आपकी PhD होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट ने 2009 रेगुलेशन से पहले की PhD है, उन्हें UGC नेट, CSIR नेट से यहाँ पर छूट दी जा रही है। आप देख लेते हैं यहाँ पर कैंडिडेट की स्क्रीनिंग और शॉर्ट लिस्टिंग कैसे की जाएगी। ग्रेजुएशन में आपके 80% से अगर एबव नंबर है तो यहाँ पर 21 की स्कोर की जाएगी, 60% से 80% के बीच में 19 स्कोरिंग है, 55 से 60 में 16 है, 45% से 55% के बीच में आपके ग्रेजुएशन में नंबर है तो 10 आपके यहाँ पर स्कोरिंग की जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएशन में 80% एबव से 25 है, 60% से 80% में 23 दी जाएगी, 55 से लेकर 60% के बीच में 20 की स्कोरिंग दी जाएगी। MPhil, MTech, LLM, MMed या इक्विवेलेंट डिग्री है तो 60% एंड एबव में आपको 7 नंबर दिया जाएगा, 55% से 60% के बीच में है तो 5 नंबर दिया जाएगा। PhD के लिए मैक्सिमम 25 नंबर दिया जाएगा, नेट भी GRF में 10 है एंड नेट के लिए 8 नंबर प्रोवाइड किया जाएगा।
रिसर्च पब्लिकेशन में यानी ईच रिसर्च पब्लिकेशन पब्लिश है तो आपको 6 नंबर मैक्सिमम दिए जाएंगे। टीचिंग एंड पोस्ट डॉक्टोरल एक्सपीरियंस के लिए 10 नंबर मैक्सिमम होंगे। अवार्ड में आपके नेशनल लेवल का अवार्ड है तो 3 नंबर है, स्टेट लेवल का है तो 2 नंबर आपको यहाँ पर मैक्सिमम प्रोवाइड किया जाएगा। इस तरह से अगर आपके पास MPhil, MTech, LLM, MEd या इक्विवेलेंट डिग्री है, साथ में PhD भी है तो मैक्सिमम 25 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। JRF नेट है तो मैक्सिमम 10 नंबर होगा। अवार्ड कैटेगरी के लिए मैक्सिमम 3 मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे। एंड इस तरह से एकेडमिक स्कोर के बेस पर आपको 84 मार्क्स मैक्सिमम होंगे। रिसर्च पब्लिकेशन के लिए 6 मार्क्स मैक्सिमम होंगे। टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए 10 होंगे। एंड 100% स्कोर के बेस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। एंड यहाँ पर अगर आपके पास 50% से कम की स्कोरिंग होती है तो कैंडिडेट को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। यानी कि शॉर्टलिस्ट कैटेगरी में आने के लिए कम से कम आपको 50 मार्क्स की स्कोरिंग यहाँ पर होनी होगी, तभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पर लास्ट डेट क्या रहने वाली है। लास्ट डेट आपकी 21 जून 2022 है एंड इसे आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक यहाँ पर दिया गया है, इस पर क्लिक करने के बाद एक इंटरफेस आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक यहाँ पर दिया गया है, इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ से आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। देन लॉगिन करने के बाद फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करके उसे 21 जून 2022 से पहले सबमिट कर देना है। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।